बहुत सारे बच्चों को सिर्फ एक ही कंफ्यूजन आ रहा है कि मैम एम्स नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, हमें सिलेबस में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों को पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एग्जैक्टली फॉलो ही तो क्या करें हम लोग। तो बेटा ये वाली प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों की सॉल्व करने वाली, बिकॉज बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से मुझे डीएम कर रहे थे कि प्लीज आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ ताकि हम लोगों को क्लैरिटी मिले कि हम लोगों को एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। तो बच्चों मैं एक चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताने वाली हूँ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, नीट एंट्रेंस एग्जाम हो, सीयूटी हो, या स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी, हर कोई एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। और जब हमारी एनसीईआरटी रेशनलाइज हुई है तो आप लोगों का हर एक एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिकली रेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इसका प्रूफ आपको कैसे मिला है, आपका सिलेबस एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया है, एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया। तो नीट ही एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो अपना प्रॉपर सिलेबस मेंशन करके देता है विद टॉपिक। तो नीट ने भी अपना सिलेबस को चेंज किया, किया नहीं किया, नीट ने भी अपना पूरा सिलेबस, तो नीट ने भी अपना पूरा का पूरा मेंशन जो रेशनलाइज एनसीईआरटी को बोलो किया है। एम्स नर्सिंग कोई सिलेबस नहीं देता है, पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया हुआ, कोई कुछ नहीं वो आपको देता है। तो बेटा एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, जब नीट एंट्रेंस एग्जाम ही आपका, बिकॉज नीट तो एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम है ना, वही रेशनलाइज एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, तो एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे ये चीज बताओ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमको ये कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो बेटा आप किसी को मत मानो, आप एनटीए को तो मानते हो ना, एनटीए एक सबसे बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है जो जेईई एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जेईई ने भी अपना रेशनलाइज सिलेबस ही फॉलो किया है। तो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, यूपी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर कोई रेशनलाइज एनसीईआरटी ही फॉलो करेगा। तो प्लीज ये वाला कंफ्यूजन आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है? अब आपको ये पता होना चाहिए रेशनलाइज एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए ऐड भी हुए हैं, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर देर आर सो मेनी टॉपिक्स एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के ऊपर जो ऐड हुए हैं। तो आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी हर किसी बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ ये रेशनलाइज, इवन आपको ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही पीडीएफ आप लोगों को एनटीए ने जो अपना नीट का ब्रोचर आया था उसमें भी इन्होंने सेम इसी का स्कैन कॉपी डाला हुआ है, टाइप वाइप करके कुछ नहीं डाला, इसी का स्कैन कॉपी वहां पे मेंशन। तो आप लोगों को इसी से हर एक चैप्टर फॉलो करना है। अब वो बच्चे देखो, जिन बच्चों का टारगेट है कि उन लोगों को एम्स दिल्ली में जाना है या किसी अच्छे एम्स में जाना है, स्कोर 80 90 95 तक लेके आना है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी 100% सिलेबस करके चलो। क्योंकि अगर आप लोगों का इतना जज्बा है कि मुझे ये ही कॉलेज चाहिए, मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, आप लोग सिर्फ सीट के लिए नहीं पढ़ रहे, आप रैंक के लिए पढ़ रहे हो, तो आई होप आप लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का ये चीज है ही नहीं कि हमें सिलेबस बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स बता दो, हमें सिर्फ इतना बता दो कि मुझे सीट मिल जाए, वो वाला कंसर्न नहीं होगा। लेकिन हमारे वो बच्चे जिन जो अभी सो के उठे हैं दिसंबर के बाद से, उन बच्चों के लिए नर्सिंग हो पैरामेडिकल हो दोनों के लिए, नर्सिंग के लिए वी आर लेफ्ट विद 60 days, 60 days का प्रॉपर प्लानर मैं बना के दे चुकी हूँ कि आप सिर्फ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इतने इतने चैप्टर कर लो, कहाँ से पीवाईक्यू करने हैं सब मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो कर लिया तो आसानी से आप 65+ मार्क्स लेके आ पाओगे। सेम फॉर पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में वी आर लेफ्ट विद मोर देन 70 days, तो 70 days का ही मैंने आपको प्रॉपर प्लानर बना के दिया है विद चैप्टर्स, इवन मैंने आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया, पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करा दिए, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर एक मीडियम के लिए। अगर आप लोग इसी वीडियो पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखना, एम्स नर्सिंग का आसानी से 65% 65+ मार्क्स लेके आने वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, एक लाइव सेशन लिया हुआ था जिसमें मैंने बुक्स बताई हुई है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए भी मैंने प्रॉपरली हर एक चीज बताई हुई है, उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को हिंदी मीडियम का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, इवन इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे के सारे लिंक्स डाल दूंगी। अब हम जरा सिलेबस देख लेते हैं फिजिक्स में। अगर आप देखेंगे वी आर लेफ्ट विद कौन कौन सा यूनिट, सबसे पहले यूनिट वन हमारे पास है, फिजिक्स में कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। देखो सबसे पहली चीज, इसमें नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन आपको करना है, वर्क पावर एनर्जी आपको करना है, एग्जैक्टली रोटेशनल मोशन आप लोगों को करना है। तो ये टॉपिक जो मेंशन किया हुआ है ना, इन्हीं टॉपिक्स को आप फॉलो करके चलना है, ठीक है? सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा आपका ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एज इट इज, नए टॉपिक्स एड हुए हैं बस यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। काइनेटमेटिक्स आपको फॉलो करना है प्रॉपरली, ऑस्किलेशन एंड वेव्स हो गया,
इलेक्ट्रोस्टेटिक्स हो गया। अब एक और चीज बताती हूँ, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना तो हमेशा ध्यान रखना 65% वेटेज 12th का है, तो हमेशा आप लोगों को अपने चैप्टर 12th वाले स्टार्ट करना है। पहले 12th का करो, 11th के हाई वेटेज करो, टाइम बच जाता है, देन 11th के भी सारे फिनिश कर डालो, ऐसे करो। लेकिन आज के लेके 1 अप्रैल से लेके आप लोगों को अपना इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को 10 से 12 घंटे हर दिन पढ़ना है। अगर आप इतना नहीं पढ़ोगे लास्ट के 2 मंथ में तो भाई कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। दीज आर द कंप्लीट सिलेबस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सारी यूनिट्स एज इट इज है। अगर डिलीशन हुआ है तो वो केमिस्ट्री के अंदर हुआ है, कुछ काफी सारे चैप्टर्स का एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के ऊपर ये सारे टॉपिक्स है। यहाँ पे एम्स नर्सिंग में आप लोग एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे मत जाना, क्योंकि इतना डिटेल आएगा नहीं। क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग पूरा नीट का पेपर भी सॉल्व करेंगे, नीट 2024 वाला जो पेपर आएगा ना उसको प्रॉपरली हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देन हम आ जाते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री में एज यू कैन सी हमारा जो स्टार्ट है वो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज इट इज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, सॉलिड स्टेट चैप्टर कट हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है आपका, अगेन सॉल्यूशन चैप्टर एज इट इज है, इक्विलिब्रियम आपका एज इट इज है, रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अभी आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो सिर्फ कुछ ही पार्ट दिया हुआ है, बाकी डिलीट कर दिया, काफी पहले डिटेल था बट अब वो डिटेल्ड वाला नहीं पढ़ रहा, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आपको इसके अंदर करना है। डी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा आपको डिटेल में करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस वन शॉट मेरे ही चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। उसके अलावा ऑल नेम ऑल रिएजेंट्स भी आप लोगों को सेम चैनल पे मिलेंगे, ऑल जितने भी सारे के सारे टेस्ट है वो सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को वन शॉट में मैं कराऊंगी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सेम ही आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स हो गए आपके, जितनी भी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस आप लोगों को वन शॉट में करा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, लाइक टेस्ट वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से नहीं आएंगे, यहाँ पे भी बहुत कम चांसेस है। बट इतना ध्यान रखना भाई, नए टॉपिक्स करो या ना करो, बट जितने पुराने वाले टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको तो आप कर ही लेना, मतलब लाइक जितने डिलीट हुए हैं उनको नहीं करना है, जो नए ऐड हुए हैं उनको थोड़ा छोड़ देना, बट जितने हैं अभी के लिए फिलहाल वो आपको करना है। बायो में मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता देती हूँ, हमारे पास 11th के अंदर हमारे पास कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट आपको नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, तीनों चैप्टर डायरेक्टली छोड़ देना। अब आ जाओ 12th के अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर लाइक होता ना आपका स्ट्रेटजीज एंड एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नहीं करना है, लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं करना है, ये 6 चैप्टर आपको डायरेक्टली स्किप कर देना है, एज वेल एज केमिस्ट्री के अंदर भी जितने भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स है सब आपको छोड़ देना है, और बाकी आपको प्लानर क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है अपने ही चैनल पे। ठीक है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आज आप नए आए हैं इसी वीडियो को देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरा जीके वाला वीडियो देख लिया होगा, जिसने अभी तक नहीं देखा है, टॉप 30 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर सॉल्व कराए हैं, उसको जरूर देख लेना। हमारे इसके बाद अब बायो के मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोग रेगुलरली बायो के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।